हेलो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू वन माई फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि इस तरह का गेमिंग थंबनेल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पिक्सल लैब ओपन करना है, प्लस के बटन पे क्लिक करके टेक्स्ट ऐड करना है, और टेक्स्ट के अंदर जो भी आपका चैनल का नाम है या जो भी आप लाइव स्ट्रीम में लिखते हो वो नाम आपको इधर लिखना है, और इसको बड़े फॉन्ट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ये रहा फॉन्ट, और इसको फिर हमको सेंटर में ले लेना है। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है स्टॉक ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल शेडो ऐड कर लेते हैं। शेडो का कलर जो भी आपको अपने थंबनेल का कलर रखना है वो रखना है, और इसकी ओपेसिटी को कम करके बढ़ा के और इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे कर लेना है, जिससे कि ये कुछ इस तरह का दिखे। ठीक है, और इसको राइट कर लेना है। फिर इसके अंदर थोड़ी सी हम स्टॉक ऐड करेंगे ब्लैक कलर में। स्टॉक को 0.1 पे रखना है ओनली। अब यहाँ से हम 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है, और इसको अल्ट्रा पे करके और सेव टू गैलरी कर देना है। तो अब ये सेव टू गैलरी हो जाएगा। अब सेम वैसे ही हमारे को दूसरा टेक्स्ट क्रिएट करना है इधर अपना। इसमें लिखना है अपन को इज लाइव, ठीक है, और इसको भी सेंटर में लेके इसको सेंटर में ले लेते हैं, और फिर इसको जो है हमें ब्लैक कलर देना है, और ब्लैक कलर देने के बाद इसमें थोड़ी सी स्ट्रोक डालेंगे। इस शेडो डालेंगे थोड़ी सी इसमें, ठीक है, और इसकी स्पेसिंग को थोड़ी सी बढ़ाना है। एक मिनट, ये वाली नहीं, स्पेसिंग को थोड़ी सी बढ़ा देना है। ठीक है, इतना काफ़ी है, 20 तक रख सकते हो तुम। ठीक है, और इसको वापस से जाना है और सेंटर में, सेंटर में जाके इसको भी एक्सपोर्ट पर क्लिक करके, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्लिक करके अल्ट्रा पे जाके और सेव कर देना है। इसके बाद हमें आ जाना है पिक्सआर्ट के अंदर, और पिक्सआर्ट में आके जो है बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड का जो है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डोंट वरी। तो इधर आके और हमें ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, और बैकग्राउंड के बाद इसमें टूल्स में आ जाना है। टूल्स में आके एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में आके पहले इसकी सेचुरेशन जो है उसको एकदम ब्लैक एंड वाइट कर देना है, और क्लैरिटी बढ़ा देनी है ना, इतनी बढ़ा देना। ठीक है, 50 पे रख सकते हो तुम या अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर कंट्रास्ट से थोड़ा इसको डार्क कर देना, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना। ठीक है, इतना काफ़ी है। फिर ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करके और 20 पे रख सकते हो। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके बाद हमें जाना है ड्रॉ टूल्स के अंदर, और ड्रॉ टूल्स में जाके और एक एम्प्टी लेयर पे जाना है। एम्प्टी लेयर पे जाने के बाद हमें जो कलर सेलेक्ट करना है, जो हमारे थंबनेल का कलर होगा, जैसे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, ठीक है, थंबनेल का कलर, और उसके बाद जो है ब्रश पे जाना है, और ये ब्रश सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे एक लाइन खींचनी है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे लाइन खींचनी है, और फिर इधर जाना है और ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके उसको बड़ा कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, अब इसको स्क्रीन कर देना, और इसकी ओपेसिटी को थोड़ी
कम कर देना, 75-80 के समथिंग रख सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना इसको, ठीक है। और एक और इम्प्योरिटी लेयर क्रिएट करनी है, सेम प्रोसेस, बस इस जगह कलर हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है। और लाइन इस तरीके से खींचनी है, और फिर ट्रांसफॉर्म पे जाके और इसको भी बड़ा कर देना है, और इसको थोड़ा इस साइड पे रखना है। इस साइड पे रखने के बाद इसकी भी ओपेसिटी हम थोड़ी सी कम करेंगे, 75 के समथिंग, 76 के समथिंग रख सकते हैं। और इसके बाद ऐड फोटो पे क्लिक करके हमें हमारा टेक्स्ट ऐड करना है इधर, ठीक है। टेक्स्ट ऐड करके और इसको थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट करके और इसको इसकी पोजीशन पे रखना है, ठीक है। और इसकी शेडो ऐड करके फुल और पोजीशन को 100-100 पे रखना है सिंपली, ठीक है। और इधर एक और टेक्स्ट हमारे को ऐड करना है, फर्स्ट ये ऐड करेंगे अपन, इमेज बोल लो इसको या जो भी तुम बोल लो, इसको ऐड करके इसके जस्ट नीचे लगाना है। साइज़ वगैरह थोड़ी एडजस्ट कर लेना पिछले फॉन्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे रखना है, और रखने के बाद हमें ये इज लाइव वाला फॉन्ट ऐड करना है, और इसको भी इसी तरीके से मोड़ के टिल्ट करके इसके नीचे एडजस्ट करना है। बस इसको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट मारना है, ठीक है। और इसके शेडो बढ़ा के और इसके बाद इस टेक्स्ट को इसके ऊपर रखना है, ठीक है। अब हमारे को हमारा कैरेक्टर ऐड करना है, जो भी हमारे पास कैरेक्टर होगा, जैसे ये है, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा तुम्हारे को, ठीक है। और इसको शेडो बढ़ा के ओपेसिटी को 100, पोजीशन को 100 पर रख के और इसको सेट कर लेना है, इस तरीके से दिखेगा ये कुछ। और इसके बाद अब हमारे को एलिमेंट सेट करने थोड़े बहुत, ये है जैसे इस तरीके से इसको यहाँ पे ऐड कर लेना है पूरे स्क्रीन में, और इसको डुप्लीकेट डुप्लीकेट करके इतना बढ़ा लेना है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद हमारे को इधर एक और चीज़ ऐड करनी है, खांग गया, ठीक है। ये इधर इसको ऐड करना है, और इसका एडजस्टमेंट में जाके इसका भी कलर तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जो थंबनेल का कलर है उन्हें वो कलर इन स्टार्स का रखना है। इसको ब्लेंडिंग पे आके स्क्रीन करके और आ गया, ठीक है। इसको इस तरीके से यहाँ पे सेट करना है ना, और डुप्लीकेट कर करके और फैला देना है इसको इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे को एक और इमेज ऐड करनी है लाइव की, और इसको छोटा सा करके एक छोटा सा करके और इधर लास्ट कॉर्नर में जाके इसको सेट कर देना है, ठीक है। ये इस तरीके से सेट हो गया, और ये इसी के साथ हमारा जो थंबनेल पूरा कंप्लीट रेडी हो गया है, ठीक है। इधर इसको और थोड़ा सा कर देते हैं अपन कॉर्नर में, और ये हमारा थंबनेल बिल्कुल रेडी। अब इधर से जाके इसको सेव कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों तुम्हारे को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और यहाँ तक वीडियो के एंड तक आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हमारे 900 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और एम रखते हैं इस वीडियो पे 50 लाइक्स का, 50 लाइक का ओनली, तो प्लीज़ ये कंप्लीट करवा देना और 900 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दो। और अगर फ्री फायर खेलते हो और गिव अवे जीतना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रख लेना, क्योंकि चैनल पर लाइव स्ट्रीम्स होती रहती है, और लाइव स्ट्रीम्स में होता है लाइव गिव अवे। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, तो जब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा।